स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। रायपुर से बड़ी खबर। सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, जिसका इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हुआ। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। बड़ी खबर यही है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने अपने पास आधा दर्जन मंत्रालय रख रखे हैं। सीएम के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? सामान्य प्रशासन, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क विभाग, आबकारी विभाग और परिवहन विभाग, ये सारे विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिए हैं। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव, क्योंकि दो डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम अरुण साव जो हैं वो पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। नगरीय प्रशासन उनके पास है, पीएचई उनके पास है, कानून की जिम्मेदारी भी उनके पास है, अरुण साव के पास कानून मंत्रालय भी उनके पास चला गया है। तो ये मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। इसके अलावा ओपी चौधरी की बात कर लेते हैं। ओपी चौधरी बिल्कुल नए नवेले मंत्री हैं, पहली बार के विधायक हैं और मंत्री उन्हें बनाया गया। ओपी चौधरी अब बड़ा नाम हो चुका है, क्योंकि अब ओपी चौधरी वित्त मंत्रालय संभालते नजर आएंगे। बृजमोहन अग्रवाल की बात कर लेते हैं। सीनियर नेता हैं काफी और पहले भी मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग भी उनके पास, उच्च शिक्षा विभाग भी उनके पास, संसदीय कार्य मंत्री भी उन्हें बनाया गया बृजमोहन अग्रवाल को। तो ये उन्हें बड़ी महती जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल को भी मिली है। और इस लिहाज से देखा जाए तो संसदीय कार्य मंत्री यानी कि अहम जिम्मेदारी उनके पास पहुंच चुकी है बृजमोहन अग्रवाल के पास। तो मंत्रियों के विभागों का जो है वो बंटवारा कर दिया गया है। रामविचार नेताओं को कृषि, एससी और एसटी मंत्रालय मिल चुका है। कुल मिलाकर जो विभाग हैं उनका बंटवारा कर दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल की बात कर ली जाए तो धार्मिक न्यास मंत्री भी और पर्यटन और संस्कृति भी उन्हीं के पास है। ओपी चौधरी की बात कर लें तो वित्त मंत्री तो हैं ही, साथ ही में वाणिज्य कर, आवास और पर्यावरण की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास रहेगी। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी ये भी उनके पास रहेगा। केदार कश्यप की बात कर लेते हैं। केदार कश्यप को भी अहम जिम्मेदारी, वन की जिम्मेदारी तो मिली है, साथ ही में जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता। रामविचार नेताम के पास भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास तो कृषि मंत्रालय भी दिया गया है। टंकवार राम वर्मा जो हैं खेल, युवा कल्याण, राजस्व, आपदा प्रबंधन, सारी जिम्मेदारी संभालते हुए वे ही नजर आने वाले हैं। सीएम सहित सभी मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। और आप सब लोगों को हम ये सूची दे रहे हैं कि इनको क्या विभाग मिला है। सर, सामान्य प्रशासन आपको मिला है, किस प्रकार से पूरे स्टेट में सुशासन स्थापित करेंगे? बिल्कुल, 25 दिसंबर जो कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और हम लोग सुशासन के पक्षधर हैं, बिल्कुल अच्छे से सरकार चलेगी। सर, प्रताड़ना और भ्रष्टाचार पिछली सरकार में थी, अब क्या लगता है कि जो नई व्यवस्था होगी उसको कैसे सुचारू? उसी कारण पिछली सरकार की जो दुर्गति हुई और हमारी सरकार में सब बिल्कुल नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक रहेगी और माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। आभारी हूँ मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का। काम करने का अवसर है, मैं प्राणपन से काम करूँगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए और विभिन्न किस्म की जो समस्याएं हैं, नक्सल समस्याएं हैं, सभी विषय के लिए मैं पूरी ताकत पूरी शिद्दत से काम करूंगा। हमारे साथ है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी, सबसे पहले बधाई आपको, मुख्य पद मिले हैं स्कूल शिक्षा और धर्म समाज जैसे पद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लगभग 8 लाख हैं। उस 8 लाख में 4 लाख कर्मचारी जो हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में है। तो एक छत्तीसगढ़ की
ननिहाल को, छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को और संस्कारित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए और देश के स्तर पर शिक्षा का स्तर लाने के लिए जिम्मेदारी दी है, नई शिक्षा नीति लागू करने की जिम्मेदारी दी है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा को हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना पाए। कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूल को प्रमोट किया था, क्या अब उसको आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से अब स्कूल शिक्षा को उन्नयन? अभी तो एक घंटा हुआ है, आप धीरे धीरे इंतजार करिए कि हम और अच्छी ऐसी शिक्षा जिससे कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बन पाए, ऐसा हम काम करें। आपने राजिम कुंभ की शुरुआत की थी, बहुत बृहद पैमाने पर बड़ा आयोजन होता था, फिर से क्या वो आयोजन दिखेंगे? निश्चित रूप से पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी देश और दुनिया में बने, ये हमारी कोशिश होगी। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने विभाग के बंटवारे पर कहा कि स्कूल शिक्षा पर बेहतर काम होगा, इसके साथ ही पर्यटन और धर्मस्व को भी बेहतर किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी, उन्हें वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले केदार कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मुझ पर इतनी सारी उम्मीदें रखी है, विश्वास जताया है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो माननीय मोदी जी की गारंटी और जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को निचले स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकें। जी बिल्कुल, बेहद समृद्ध है वन के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़। आप बस्तर से भी आते हैं, तो अब प्लानिंग किस तरीके से रहेगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर होगी? देखिए, हमारे पूरे इस छत्तीसगढ़ को फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और वास्तव में जो हमारा ये छत्तीसगढ़ है, ये ऑक्सीजन जोन का काम करता है। तो ऑक्सीजन जोन को हम बढ़ावा दें, ये हमारी कोशिश होगी। और ये पूरा हमारा दंडकारण्य क्षेत्र है, भगवान राम का वनगमन क्षेत्र है। इस जंगल की खूबसूरती लोग जानते हैं और हम उसका सही तरीके से संरक्षण संवर्धन हमारे माध्यम से किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल जी। दयालदास बघेल जी, विभाग का बंटवारा हो गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है जी। क्या है, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। ये जो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साई जी का, जिन्होंने ये दायित्व दिया है। और यह विभाग जो है, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम जो विभाग है, हकीकत में बहुत बड़े विभाग है। बहुत अच्छे ढंग से सामंजस्य बना करके अच्छे ढंग से इस विभाग को करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ताकि अच्छे ढंग से विभाग चल सके। ये तो हमारे संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो विभाग दिया है, जो दायित्व दिया गया है सबको, उसके कैपेसिटी के हिसाब से विभाग मिला है और सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के सब विभाग को चलाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। भाजपा की जीत मोदी की गारंटी को लेकर हुआ है, आप लोगों ने जो वादे पूरे किए हैं, अब समय आ गया है कि उसको पूरा करने का दायित्व तो भी मिल चुका है, विभाग बढ़ चुके हैं, अब काम का सिलसिला कैसे शुरू होगा? काम का सिलसिला क्या, हमारा तो हमेशा चलते रहता है। आज भी हम लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हम लोगों का प्रारंभ हो गया है, विभाग मिल गया है, विभाग के काम के साथ साथ जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार, हमारे पूरा टीम इस काम में लग चुके हैं। विभागों की फाइलें भी अटकी हुई है, कल क्या मंत्रालय जाके अब जिम्मेदारी सीधे संभालेंगे? जी हाँ, मंत्रालय जाकर के क्या जो फाइल वगैरह है, ये सब अधिकारी लोग कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जाकर के मंत्रालय में पदभार ग्रहण करेंगे, थोड़ा देखवाएंगे, पूजा वूजा करने के बाद मंत्रालय में कार्य प्रारंभ करेंगे। ये थे दयालदास बघेल जी, जो कल ही मंत्रालय में संभालेंगे जिम्मेदारी, पूजा अर्चना करके काम शुरू करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो टीम विष्णु,
तैयार हो चुकी है, विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो चुकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका परिचय करा देते हैं। उमेश घोरमोड़े साहब बीजेपी के नेता हैं। उमेश जी बहुत स्वागत करता हूं आपका, मनीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी आपके भी बहुत स्वागत। और साथ में जुड़े हैं सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता। सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। आखिरकार उमेश जी टीम तैयार हो गई, बहुत वक्त लग गया। वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, इतना वक्त क्यों लगा जबकि ये मंत्रिमंडल का गठन तो आपने पहले ही कर दिया था लेकिन विभाग बांटने में इतना वक्त लग गया? देखिए मुझको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त लगा है, एक सामान्य प्रक्रिया है। और चूंकि विभागों का बंटवारा, किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, कौन कौन सा विभाग संभालेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद, मंथन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो आज हमारे, आपके, हम तमाम लोगों के बीच में है और मंत्रिमंडल में विभागों का आज वितरण हो गया है। और देर हो गई, बड़ी देर कर दी आते आते की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि जिस दिन से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ लिया है, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, उस दिन से ही जो हमने कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, उस पर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। और चूंकि अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है, हमारे सारे मंत्री आज विभागों के साथ हमारे, आपके, हम तमाम लोगों के बीच में है, तो मैं समझता हूं कि कल से ही और जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो बेहतर काम हो सकते हैं उसमें हमको तेजी देखने मिलेगी। तो आने वाले समय के अंदर में सभी मंत्री, आप तेजी की बात कर रहे हैं कि तेजी देखने को मिलेगी, कितनी तेजी देखने की उम्मीद कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। सत्य प्रकाश सिंह जी कितनी तेजी देखने को मिलेगी और ये जो टीम बनाई गई है, जो जिम्मेदारी सौंपे, नए नए चेहरे हैं भाई और पहली बार के विधायक मंत्री भी बन गए और गृह मंत्रालय भी मिल गया, साथ ही साथ पूर्व आईएएस अधिकारी जो हैं वो अब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बैलेंस किया गया बीजेपी के द्वारा? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, जिनको कम से कम अभी तक तो ऐसा लग रहा था अनाथ बच्चे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या काम करना मालूम नहीं है, तो एक एक स्थायी जगह मिल गई बैठने के लिए, काम करने के लिए, तो उन सभी को मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। पर थोड़ी सी टीज मेरे को लग रही है व्यक्तिगत तौर पर, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ थोड़ा सा मेरे को लगता है अन्याय हुआ है, तो खैर वो उनका व्यक्तिगत है, वो खुद बताएंगे बाद में। बीजेपी का, मगर एक चीज मैं उमेश गढ़मोड़ जी की बात को बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, ये हर प्रदेश का होता है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाना, किसको क्या विभाग देना। थोड़ी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का नहीं है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी नेता, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर उनके ऊपर एक अनैतिक दबाव चल रहा है, हर चीज दिल्ली से आ रही है, अकबर जी वहां से बादशाह जी एक चिट्ठी भेजेंगे तो यहाँ पे काम होगा। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विभाग तो मिल गया, अब मंत्री ये ना बोले कि भाई सिग्नेचर करना है कि नहीं करना है, मेरे को कहीं दिल्ली तो नहीं जाना सिग्नेचर करने पूछने के लिए, पहले पूछ लीजिए दिल्ली से, तो ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए जनता का वैसे भी उन्होंने, देखिए इनको एक तो जनता का जो समय बर्बाद हुआ है उसको कोई लेना देना नहीं है। उमेश घोरमोड़े जी यहाँ पे बहुत ही बेशर्मी तरह बोल रहे हैं कि समय खराब नहीं हुआ, आप बताइए कब आपके शपथ ग्रहण हुआ, कब आपकी शपथ ली, और आप एक महीने बाद बोल रहे हैं कि समय व्यर्थ नहीं हुआ है, तो ये समय एक एक सेकंड कीमती होता है जनता का, क्योंकि यहाँ पे जनता, आपने किसान आत्महत्या हो जाती है आपके 2 लाख का जमा पलटने से, किसान जो है वो इंतजार कर रहा है 3100 रुपए कम मिलेगा वो नहीं मिल रहा है, महतारी जिन्होंने सबसे ज्यादा इनको आशीर्वाद दिया, सबसे ज्यादा वोट दिया, उनको कब उनको 1000 रुपए मिलेगा वो इंतजार में है। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, तो ये कह रहे हैं सरकार, तो ये कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए वो एक एक करके हम पूरा करने में लगे हुए हैं, 5 साल की बात होती है। उन्हें जी इन्होंने अभी तक क्या किया बता दीजिए। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं ना, अभी तक क्या किया जी, 16-17 अभी तक क्या किया जी, उमेश जी अभी तक क्या किया बताइए, क्या किया अभी तक, जवाब ले लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए उमेश जी। पहुंच रही पुनीत जी, ये शांत हो तो मैं बोलूं। देखिए ये तमाम मंत्रियों को विभाग को लेकर के सवाल उठा रहे थे और स्थायी रूप से बैठने की जगह को लेकर के सवाल उठा रहे थे, ये शायद भूल गए
कि 5 साल कांग्रेस के नेताओं का ठिकाना नहीं है, इस लायक भी जनता ने नहीं ठोका है, छोड़ा है, और इनको अपने बैठने की जगह ढूंढने की यहाँ पर आवश्यकता है। ये लगातार किसान और तमाम तरह के विषय उठा रहे हैं, समय खराब करने की बात कर रहे हैं। अरे समय तो आपने छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता का 5 साल महत्वपूर्ण 5 साल खराब कर दिया। आपको बंपर बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनने का काम किया था, उसके बदले में आपने क्या किया? किसानों को किस्तों में छलने का काम किया, भ्रष्टाचार का अंबाल लगाया, कोयला घोटाला, भू माफिया से लेकर के तमाम माफियाओं का राज छत्तीसगढ़ में कर दिया, अराजक स्थिति निर्मित करने का काम किया। ये समय खराब करने का काम कांग्रेस ने किया, इसलिए जनता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप अपने बैठने की जगह तलाशी है, जनता ने आपको 5 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया है। और आप बौखलाइए मत, अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, पीएससी से लेकर के तमाम तरह के विषयों के अंदर में किस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय करने का आपने काम किया। और आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे अरे सुनिए सुनिए ना, अरे आपने उमेश जी किस तरह अभी तक जी नहीं है, उमेश जी और सत्य प्रकाश जी सुनिए ना, अरे सुनिए तो सर, आप दोनों सुनिए तो सही, सुनिए तो सही सर। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। देखिए आपको आवाज भी मिलेगी, लेकिन आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये बात सही है। देखिए आज हो रही है बात मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की, तो वहीं तक रहते हैं, फिर आगे क्या क्या होगा वो तो हम चर्चा में आगे करते ही रहेंगे और बहुत समय बाकी है। मनीष गुप्ता जी को भी शामिल कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, तो उनसे समझते हैं कि ये जो टीम बनाई गई है और टीम में जो अलग अलग कौन सा खिलाड़ी कहां उसको फील्ड पे जगह दी गई है, ये पूरी टीम कैसे काम करेगी, कैसे ये जो बंटवारा हुआ है विभागों का, मनीष जी कैसे देख रहे हैं आप इसे? और बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया, पहली बार के विधायक जो हैं मंत्री भी बनाया और मंत्री बनाने के बाद अहम जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। मनीष जी निश्चित रूप से पुनीत जी, बीजेपी ने जो चौंकाने का जो क्रम शुरू किया था छत्तीसगढ़ में, ये मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में भी चौंकाने का क्रम आज भी जारी रहा। जिस तरीके से नए मंत्रियों को, खासकर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जितने महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग कर रही है, जो नए मंत्री इस पूरे मंत्रिमंडल में अगर हम देखें तो नए मंत्रियों पर ज्यादा भरोसा किया गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी भविष्य की टीम को जो है वो कहीं ना कहीं अनुभव और उनको आगे काम करने का अवसर देना चाह रही है। यही कारण है कि इस मंत्रिमंडल में जो है जो वरिष्ठों और जो कनिष्ठों का जो प्रयोग है वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, नक्सलवाद और जो दूसरी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए जिस प्रकार से गृह मंत्रालय विजय शर्मा जी को दिया गया है, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। बड़ी चुनौती, चुनौतियां तो बहुत सारी, सभी के सामने चुनौतियां तो रहने वाली हैं। उमेश घोरमोले साहब, आप ये बताइए कि ये बीजेपी चौंकाना कब बंद करने वाली है? क्या, अच्छा ये भी समझना चाहेंगे कि क्या बीजेपी में नेक्स्ट जेन वाला फॉर्मूला तो नहीं चल रहा है? आप बहुत जल्दी उमेश घोरमड़े भी कुछ और पद को संभालते हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? देखिए पुनीत जी, आपकी आवाज मुझ तक बहुत कम पहुंच रही है, मैं जितना आपका सवाल सुन पाया, क्योंकि मुझको बाकी सारे गेस्ट की आवाज आ रही है, आपकी ही आवाज मुझ तक कम पहुंच पा। मेरा सवाल है कि नेक्स्ट जेन करके शायद आप, नेक्स्ट जनरेशन वाला बीजेपी में मामला चल रहा है क्या? नई पीढ़ी तैयार, अब हम तो हो गए भाई, हमारी उम्र हो गई, अब होता है ना घर में कि हमारी उम्र हो गई, अब तुम्हारे जिम्मे है पूरे घर बार की जिम्मेदारी, तो क्या ये नई जनरेशन तैयार हो रही है? देखिए नई जनरेशन तैयार करने वाला विषय नहीं है, और ये केवल आज का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक तरफ जहां अनुभव का लाभ लेती है, इस नौ मंत्रिमंडल के सूची में अगर आप देखेंगे तो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी सहित हमारे पूर्व मंत्री हैं जिनको लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबे समय तक मंत्री रहे, चाहे मध्य प्रदेश के समय में, छत्तीसगढ़ के समय में, तो उस अनुभव के साथ ही साथ नए लोगों को भी अवसर मिला है। तो युवा जोश, युवा तरुणाई, एक नई सोच के साथ, अनुभव के साथ हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और केवल आज का विषय नहीं है। जब 2003 के अंदर में जब पहली बार छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी थी, उस वक्त भी तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी
पहली बार के विधायक थे और उनको मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त 2000 में लगभग आधी टीम पूरी नई थी और आधी टीम के पास अनुभव था मध्य प्रदेश के समय का। तो एक अनुभव और एक युवाओं के साथ हमने लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा किया और वर्तमान में भी जो एक टीम बनी है, मैं समझता हूं को छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे लेकर के जाने वाली और एक अनुभव और एक युवाओं के नए सोच के साथ एक सत्यप्रकाश जी के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश जी बैलेंस बनाया है और नए नए लोग मंत्री बन गए हैं। सरकार नए पहली बार के विधायक, पहली बार के मंत्री, बड़ी जिम्मेदारियां, कैसे देख रही है कांग्रेस? अच्छा हो गया ये तो बीजेपी ने एक नई नई तरुणाई, नई पीढ़ी को आगे कर दिया है, अब बड़ी जिम्मेदारी संभाल। पुनीत जी देखिए, ये बीजेपी का अपना मामला है, नए को दे, पुराने को दे, किसको दे, मगर मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लता उसेंडी जी के साथ है, विक्रम उसेंडी जी के साथ है, धर्मलाल कौशिक जी के साथ है, अमर अग्रवाल जी के साथ है। क्योंकि देखिए इनका जो नीति है ये भी है कि जब तक इस्तेमाल करना इस्तेमाल कर लिए। अभी देखिए रेणुका सिंह जी का क्या हुआ, गोमती साह जी का, मेरे को ये डर है, बहुत सहानुभूति भी है कि कहीं वो राम लाल की सडवाणी जी के बगल वाली कुर्सी इन्हें खाली करके बैठे हो कि ठीक है अब दो चार महीने रुक जाइए, उस कुर्सी पे आप लोगों को बैठा देंगे। तो इनकी नीति, इनकी सोच वो भी रहती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उनके साथ क्या होता है आगे दो चार महीने में। देखिए खैर ठीक है, मैं तो बार बार ये बोलूंगा, विभाग आपको मिल गया, जैसे भी मिला है मिल गया, आपने जो घोषणाएं की थी उस पे काम कीजिए, उस पे काम, चलिए बधाइयां भी दे रहे हैं, बधाइयां भी दे रहे हैं, दर्द भी बता रहे हैं कि किसको कहां दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, विपक्ष में बैठे हैं तो ये तो काम होता ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमेश जी, क्षमा चाहता हूं, समय यहीं तक ही इजाजत दे रहा है। अरुण साहब जो हैं उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। गठन के बाद 18 दिन बाद विभागों का भी विस्तार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा अंतराल लगा, लोगों को बहुत इंतजार था, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और विधि, इसके अलावा नगरी निकाय, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरीके से विकास होगा अब छत्तीसगढ़ का? हाँ ये सही है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी दी है पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और विभागों के जो काम है उन कामों में गति आए और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अच्छा काम हो इसकी पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और बड़ा भरोसा जनता ने किया है, जनता की अपेक्षाएँ बहुत है, हमारी सरकार पूरी ईमानदारियों से काम करेगी और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे अधूरे काम है छत्तीसगढ़ में, डेवलपमेंट के काम है, उसको किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? इसके अलावा जो विभाग बांटे गए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या पूरी तरीके से संतुलित है ये विभाग बंटवारा? अनिश्चित रूप से संतुलित विभाग है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसे क्या जवाबदारी देना, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर विभागों का वितरण किया है। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है, हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कैसी कल्पना है? हाँ निश्चित है कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, कांग्रेस ने तो हमेशा छत्तीसगढ़ का शोषण किया, उपेक्षा किया, अभी पिछली जब सरकार बनी थी तब भी वही काम किया जो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले कांग्रेस करती रही है और 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। अब एक मौका फिर से हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा हम पर किया है, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम हम ही करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे अरुण साव जी, डिप्टी सीएम हैं, विस्तार हो चुका है विभागों का और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विस्तार जो हुआ है विभागों का उसके तहत काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर।